माइनक्राफ्ट बट इट्स नाइट वर्ल्ड, जहाँ पे सुबह का किरण पड़ता ही नहीं है, मतलब ज़ोंबी का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ हमें इस गेम को सर्वाइव भी करना पड़ेगा और गेम को बीट करना पड़ेगा एंडर ड्रैगन को मार के। तो क्या हम काला अंधेरा इस गेम को एंडर ड्रैगन को मार के बीट कर पाएंगे? तो इसको जानने के लिए आपको भी जाना पड़ेगा अपने साथ इस जर्नी के अंदर। तो चलो चलते हैं। हम स्पॉन हो चुके थे जंगल बायोम के पास एक छोटा सा डिजर्ट विलेज के ऊपर। तो विलेज तो हमको मिल चुका है, तो जल्दी से विलेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस विलेज से हमें स्टार्टिंग में क्या क्या सामान मिलता है। इस विलेज का सबसे पहला चेस्ट हमको मिला इस फार्मर के घर से और यहाँ पे था थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा व्हीट, तो दोनों को हमने उठा लिया। और इस घर के बाहर ही हमको थोड़ा बहुत हेवेल भी मिल चुका है, तो हम इसको फटाफट से उठा लेते हैं और यहाँ से खाना तो बनाना पड़ेगा ना। और इस विलेज के अंदर तो खाने का कोई सा भी कमी तो नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हेवेल पड़ा हुआ था। इस वर्ल्ड में हमेशा रात है और इसलिए देखो विलेजर लोग यहाँ पे हमेशा सोता ही रहा है, मतलब और कुछ काम ही नहीं है। तो हमने इसका क्राफ्टिंग टेबल को उठा लिया, क्योंकि अगर सोता ही रहेगा तो क्राफ्टिंग टेबल का क्या जरूरत है ना। अच्छा, तो इसके बाजू में हमें एक ब्लैक स्मिथर का घर भी मिला। तो इसके चेस्ट में देखते हैं भाई साहब, इसके चेस्ट में हमें बहुत सारा डायमंड मिला, मतलब 3 डायमंड मिल चुका था, एक आयरन का बूट मिला, 2 आयरन मिला, थोड़ा बहुत खाना मिला, भाई सब कुछ हमने सपाट कर दिया यहाँ से। मुझे यहाँ पे एक फार्मर मिला है, मतलब हम यहाँ से एमरल कलेक्ट कर सकते हैं। तो हेवेल से फटाफट से वीट को निकाले और चले फार्मर के पास। और इसके पीछे, इस घर के पीछे एक फार्मर था, तो यहाँ पे जाके हमें ट्रेड करना था और ये फार्मर पहले से हमें वो ट्रेड दे रहा था। तो फटाफट से हमने ट्रेड कर लिया, जितना ट्रेड करना हो सके उतना ट्रेड तो हमने कर लिया और अपने को मिला 7 एमरल। और स्टार्टिंग में 7 एमरल तो भाई काफी बढ़िया डील है। इस विलेज पे एक फिशरमैन भी था, तो जल्दी से हम उसके पास पहुंचे और इससे हमें लेना था एक वाटर बकेट और ये अपने को एक वाटर बकेट दे भी रहा था। तो जल्दी से हम इसको ट्रेड कर लिए 3 एमरल के बदले। अभी बस कॉर्ड को यहाँ पे डाल देंगे और एक बकेट पानी को उठा लेंगे और अपने पास आ चुका है एक प्योर वाटर बकेट। विलेज के पास जंगल बायोम भी था, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा बैम्बू को कलेक्ट करा, फिर थोड़ा सा वुड तोड़ा और विलेज से तो हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल ही चुका था। तो जितना हमें बैम्बू मिला था उससे हमने सारा का सारा स्टिक को निकाल लिया और हमें 3 डायमंड भी मिल चुका था, तो हमने एक डायमंड का पिकेक्स बना लिया। अभी क्राफ्टिंग टेबल को तोड़े और इस जगह से ही हम नीचे चले, क्योंकि हमें बाकी का सामान को भी स्टोन का बनाना था। और जल्दी से हमें स्टोन भी मिल चुका है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन को कलेक्ट करते हैं। और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल को रख के एक स्टोन का एक्स बनाया, एक स्टोन का स्वॉर्ड बनाया और एक फाइनेंस भी बना लिया। इतना काम करने के बाद हम इस वर्ल्ड का सबसे पहला खाना खाया। इस वर्ल्ड के अंदर हमें ज़ोंबी तो नहीं मिला, लेकिन 2 सीप जरूर मिल गया, तो हमने इस 2 सीप को टपका दिया। मगर क्यों? इस विलेज से हमें और कुछ लूट तो नहीं मिला, तो अभी बस माइनिंग करना ही बाकी है। तो हम फटाफट से चलते हैं माइनिंग करते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट डिग डाउन करने लगे, जबकि हमें पता है कि स्ट्रेट जाने से बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है, क्योंकि 1.19 के बाद केव बहुत ज़्यादा गहरा होता है। रास्ते पे हमें थोड़ा सा कोल मिला। अभी नीचे से ज़ोंबी का साउंड सुन के हम थोड़ा सा सावधान हो गए और यहाँ से स्ट्रेट डिग डाउन करने के बजाय हमने डबल डिग डाउन करके नीचे चले। अभी थोड़ा सा नीचे आते ही हमको यहाँ पे केव नहीं बल्कि एक स्पोनर मिला था, तो हमें जानना था ये कौन सा वाला स्पोनर है। कुछ भी करके हम इस स्पोनर को तो बंद कर दिए और यहाँ पे एक ज़ोंबी भी स्पॉन हो चुका था, तो हमने इसको टपका दिया। नीचे जाने के बाद पता चला कि वो ज़ोंबी तो भाई महीने से पहले अपने दोस्त को बुला रखा था और यहाँ से हमें जोर जोर का मार पड़ा। सामने देखा तो एक ज़ोंबी और एक स्केलेटन था, तो यहाँ से हमें भागना ही जरूरी समझा। और भाई ये ज़ोंबी हमको जाने ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो स्केलेटन अपना काम आसान कर दिया। उन दोनों का फाइट चालू हो चुका, अभी हम चलते हैं और उन दोनों का फाइट देखते हैं। अभी यहाँ से जो जीता है उसको हम टपका देते हैं। पहले चेस्ट से हमें दुनिया भर का टट्टी मिला, बस थोड़ा सा काम का आर्य नहीं था तो हमने इसको उठा लिया। और दूसरा चेस्ट तो भाई पूरा का पूरा टट्टी ही था और यहाँ पे एक नेम टैग था, लेकिन इस वाल पे नेम टैग का कोई सा भी काम तो नहीं था। फिलहाल तो अपने पास एक सिफाम बनाने का सामान तो है नहीं, तो अभी के लिए हम माइनिंग पे ही चलते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा लैपिस भी मिला। अभी हम आ चुके थे वाई लेवल 59 पे और इधर ही हम डायमंड माइनिंग करने वाले थे। अभी इतने जल्दी हम अपना डायमंड पिकेक्स को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम एक स्टोन का पिकेक्स बना लेते हैं। पहले यहाँ से हमें थोड़ा सा रेडस्टोन मिला और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हमें डायमंड भी मिलने लगा भाई। और अभी इस वॉल का हमें पहला डायमंड मिल चुका था और यहाँ से डायमंड तोड़े तो यहाँ पे पूरा का पूरा 6 डायमंड था।
अभी 10 से 15 मिनट माइनिंग कंटिन्यू करने के बाद हमें दूसरा डायमंड भी मिला, लेकिन यहाँ से बस दो ही डायमंड मिला है। और फिर रास्ते में हमें थोड़ा सा रेडस्टोन मिला। अभी बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद हमें फिर से 6 डायमंड मिला और इसी के साथ अपने पास आ चुका है टोटल 14 डायमंड। अभी नेदर का यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड भी मिल चुका है, फिर से थोड़ा सा रेडस्टोन मिला और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक छोटा सा लावा पूल भी मिल चुका है, जहाँ पे हमने पानी डालकर ऑब्सीडियन बनाया और पोर्टल बनाने के लिए थोड़ा सा ऑब्सीडियन भी कलेक्ट करने लग गया। एक बारी तो भाई मेरा पानी स्टोन बन गया और मैं बेवकूफ की तरह मरते मरते बचाऊ भाई। अभी फिर से पानी ढूंढने के लिए ऊपर आना पड़ा और यहाँ पे एक केव मिला, जहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड मिला। केव एक्सप्लोर करते टाइम यहाँ पे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा और तभी अपने मुंह के सामने एक क्रीपर आ गया, तो हमने थोड़ा सा बचते बचते यहाँ से भागा, लेकिन वो अपने पीठ के पीछे फूट गया। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? तभी हमको याद आया कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर तो बस स्ट्रॉन्ग होल का होता है। इस तरीके का स्टोन तो भाई स्ट्रॉन्ग होल का होता है, मतलब हमें बिना मेहनत के स्ट्रॉन्ग होल मिल चुका है भाई। ये वॉल तो काफी लकी निकला अपने लिए। चीटिंग करता है तू। अभी स्ट्रॉन्ग होल पे बाद में जाएंगे, फिलहाल इस जोम्बी को मारते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा आयरन है भाई, सब कुछ हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से सब आयरन कलेक्ट कर लिए। सच में इस केव से हमें थोड़ा सा ज्यादा ही आयरन मिल गया, जिससे अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर सेट बन सकता है। अभी यहाँ से हमें पानी भी मिल गया था और यहाँ पे एक न्यू टाइप का फ्लावर भी मिल चुका था। अभी यहाँ से पानी को उठाया क्योंकि पोर्टल बनाने जैसा ऑब्सीडियन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया और फिर से माइन को ढकते हुए हम ऊपर चले। ऊपर ज़ॉम्बी स्पॉनर रूम पे आके फर्नेस को रखा और यहाँ पे सारा का सारा आयरन को स्मेल करने के लिए रख दिया और फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपी फार्म को बना दिया। इसके अंदर अपना फर्नेस के साथ साथ आयरन भी अंदर ही था, तो हमने आयरन का उठाया और जो कोल था उसको भी उठाया और अपना फर्नेस को यहाँ से तोड़ दिया। और फर्नेस देखो अपने हॉपर पे चला जाएगा, यहाँ से हमें टॉर्च को हटाना पड़ेगा, अपना फार्म स्टार्ट हो जाएगा। और इस सीरीज का ये अपना ज़ॉम्बी फार्म स्टार्ट हो चुका है, बाकी चेस्ट वगैरह अंदर ही रखते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। अभी ज़ॉम्बी फार्म पे एक गलती हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ा, यहाँ पे एक छोटू वाला ज़ॉम्बी आ गया और मैं भाई लिटरली मरते मरते बचाऊ किसी भी तरीके से इसको मारा भाई, मेरा तो भाई हार्ट बीट तेज हो गया था। यहाँ पे बस हमने एक स्लैब को नहीं लगा था तो इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी हम इसको फिक्स कर दिया है। ऊपर आकर ब्लोसम को विलेजर के एक घर पे लगा दिया, जो कि काफी कूल लग रहा था। जितना भी डायमंड मिला था उससे एक डायमंड का चेस्ट प्लेट बनाया, एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाया और फिर चेस्ट प्लेट को अपने ऊपर चिपका दिया। अभी आयरन का एक लेगिंग्स बनाया, नेदर जाना है तो अपना फर्नेस को रखा और उसके अंदर अपना सारा का सारा गोल्ड को स्मेल करने के लिए रख दिया और अपना जो लोहे का लेगिंग्स बनाया था उसको भी पहन लिया। अभी नेदर का बारी है तो सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए एक शील्ड को हमने यहाँ से बना लिया और उसको हाथ में चिपका दिया। अभी जितना गोल्ड स्मेल्ट हुआ था उससे गोल्ड का हेलमेट को बना दिया और इस हेलमेट को अपने सर के ऊपर चिपका दिया। और अभी हम रंग बिरंग का आर्मर के साथ रेडी हो चुके हैं नेदर पे जाने के लिए। अभी एक पोर्टल को बनाया और इसको एक्टिवेट कर दिया, अभी हम नेदर पे जाने के लिए रेडी है। नेदर पे जो भी खाना वगैरह चाहिए था सब कुछ ले लिया और जो भी हमने गोल्ड को स्मेल करने रखा था वो सब भी ले लिया। अभी हम चलते हैं नेदर पे, मेक श्योर कि हम जिंदा लौटे। नेदर पे आते ही अपने पोर्टल के पीछे थोड़ा सा गया और हमको एक बेस्टर मिल चुका है भाई। और हाँ, इन लोगों से तो लड़ना है ना भाई, नेदर पे आते ही शुरू हो गया लड़ने के लिए, लेकिन इनको नहीं पता कि इनको हम जला के खा लेंगे। क्या बोला तूने? और एक कंटाप दे दिया और ये भाई अपने पास आ गया कुक्ड फूड। यहाँ पे मैं गलती से बस एक एंडरमैन के आंखों की तरफ देख लिया और वो भाई अपने पीछे ही पड़ गया और जब मैंने एक कंटा मारा तो पता नहीं कहाँ भाग गया, वापस ही नहीं लौटा। अभी मेरे पास नेदर का यूनिफॉर्म तो है, तो मतलब इन लोगों से डरने का तो कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन चेस्ट को खोलने के बाद थोड़ा सा डरना तो चाहिए। बस हवा निकल गई, तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं और फिर चेस्ट को खोलते हैं, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इस चेस्ट से तो भाई जो सामान मिला ना उससे तो इनका टैलेंट बहुत बढ़िया है। इस बेस्टन के अंदर से मेरे को और तो कुछ चेस्ट नहीं मिला, लेकिन ब्रूट के साथ मेरा तगड़ा वाला फाइट स्टार्ट हो गया। मेरे को बस यही डर था कि इसके पीछे पीछे कोई और ना आ जाए, भाई मेरा पोपट बन जाएगा। इस चीज को देख कर तो मेरा आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था भाई, इस बेस्टन के साथ साथ एक फोर्ट्रेस भी जुड़ा हुआ है भाई। वहाँ पे देखो ब्लेज उड़ रहा है। फोर्ट्रेस पे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड मिला, लेकिन थोड़ा सा रुको, इस जगह को पहले कवर कर लेते हैं और फिर हमें इस गोल्ड को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पता ही है भाई अपना भरता बना देगा ये लोग। ठीक है, ओ भाई साहब यहाँ पे कोई सा भी जगह नहीं है उन लोगों को मारने के लिए, नहीं तो भाई मेरा पोपट बना देता अभी। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से गोल्ड को उठा लेते हैं भाई। यहाँ पे तीन तीन गोल्ड ब्लॉक हमें मिल चुका है। जिनके लिए भाई फोर्ट्रेस पे आना वो तो भाई एक एक करके अपने सामने स्पॉनर के बिना ही आ रहा है भाई, मारते रहे उनको। और ये देखो ब्लेज ड्रॉ देता रहेगा ये लोग।
और इनको मारने के साथ साथ अपने को 7 ब्लेज रॉड मिल चुका है। फोर्ट्रेस के अंदर से मेरे को 2 चेस्ट दिखा। पहले वाले चेस्ट में थोड़ा सा आयरन था तो उसको उठा लिया, और दूसरे चेस्ट में थोड़ा सा गोल्ड था। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेड करने के लिए काम आएगा। तीसरा वाला चेस्ट को जब लूटने के लिए गया ना भाई, क्या ही बताओ इसके अंदर क्या है, देख ही लो। इसके अंदर से हमें 3-3 डायमंड मिल चुका है भाई। अभी इस फोर्ट्रेस के अंदर से मुझे को और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन जब इस बेस्टन के अंदर आया तो अंदर आते ही यहाँ पे एक चेस्ट मिल गया, और चेस्ट के अंदर एक आयरन का फायर एस्केप वाला स्वॉर्ड था तो उसको ले लिया, और सारा का सारा बो भी ले लिया। अभी धीरे धीरे इंडर ड्रैगन को मारने का सामान अपने पास आने लग गया था, और जब हमें बेस्टन में गोल्ड का खजाना मिल गया तो ये लोग अपने पीछे ही पड़ गया। तो इन लोगों को अपने पास थोड़ा सा गोल्ड दे दिया, और पीछे से इनका सारा का सारा गोल्ड ब्लॉक को चुरा लिया। अभी इनको ट्रेड करने से मेरे को बस 6 इंटरपल मिला था, और बाकी तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा था, और थोड़ा बहुत एरो भी मिला है। और इसने मुझे आयरन का एक एन्चेंटेड बूट दिया है, वो कहते सोल स्पीड 2 वाला बूट है। ठीक है, इसको पहन लेते हैं। और इसी के साथ फाइनली अपने को जितना इंटरपल चाहिए होगा उतना तो हमें मिल गया। यहाँ पे भर भर के इन लोगों ने फायर रेजिस्टेंट वाला पोर्शन दिया है हमें। अभी ओवरऑल पे आके जल्दी से ब्लेज रॉड से ब्लेज को निकाले, और उससे सारा का सारा इंटरपल को आई ऑफ इंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 7 डायमंड और पर आए अपने पास, तो इससे एक डायमंड का हेलमेट ही बना लेते हैं, और इसको अपने सर पे चिपका देते हैं। अभी मेरे पास एरो तो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ से एक बो को बना लेते हैं। तो इन पोर्टल तो हमें मिल ही चुका है, तो यहाँ से नीचे चलते हैं। बाय द वे, आप लोगों को कभी ऐसा सीट मिला है क्या, कमेंट करके बताना। अभी एंड रूम में घूमता हुआ हमें एक चेस्ट मिला, और इसके अंदर था एक एन्चेंटेड बुक जो कि शार्पनेस 3 का था भाई। मतलब इंडर ड्रैगन को मारने के लिए सबसे सही स्वॉर्ड जो होता है वो शार्पनेस 3 का होता है। तो मैंने बिना किसी देर के अपना क्राफ्टिंग टेबल लगाया और एक एनविल को फटाक से बना दिया, और फिर एनविल को रख के अपना स्वॉर्ड को भी शार्पनेस 3 वाला स्वॉर्ड बना दिया। और अभी तो हमें छोटा मोटा चेस्ट बहुत सारा मिला यहाँ से। यहाँ से भी हमें एंड लाइब्रेरी के साथ साथ एक स्पोनर मिला, और अभी जब लाइब्रेरी का चेस्ट को देखा तो भाई यहाँ पे 3-3 एन्चेंटेड बुक था, और उसमें से एक पावर 4 का, मतलब अपना बो को पावर 4 का बो बना सकते, और अपने पास एनविल भी था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बना लेते। फटाफट से एनविल को रखा और अपना बो को पावर 4 का बो बना लिया। अभी अपना चेस्ट प्लेट को उतारे और इस पे लगा लिया अनब्रेकिंग 3 वाला एन्चेंटमेंट। अभी इसके अंदर एक और एन्चेंटेड बुक था जो कि था प्रोटेक्शन 3 का। अभी अपना चेस्ट प्लेट को बना लेते अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 वाला चेस्ट प्लेट। और पता नहीं क्यों इस स्पॉनर से कोई सा भी मॉब स्पॉन ही नहीं हो रहा था, तो हमको क्या चेस्ट को लूटते, और यहाँ पे कुछ काम का चीज़ तो नहीं था, बस आयरन को उठा लेते। और दूसरे चेस्ट से हमें एक गोल्डन एप्पल मिला, और फाइनली मुझे एंड पोर्टल मिल चुका है। तो सबके तरह मैं भी जाके स्पॉनर को पहले तोड़ा, और फिर एक के बाद आई ऑफ एंडर को लगा के अपना पोर्टल को एक्टिवेट करा। बस अभी इंडर ड्रैगन को मारने का सारा सामान अपने पास आ चुका था, तो अभी चलते। और इसी के साथ हम भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया था, वो भी पॉकेट एडिशन के अंदर। तो अभी चल के एक्सपी को उठा लेते हैं, और मेरे को पता नहीं एक्सपी दिख ही नहीं रहा था लेकिन मेरे पास आ तो रहा था, और अपना ड्रैगन एग को भी उठा लेते हैं। और मेरे पास टॉर्च नहीं है लेकिन इधर स्केलेटन का स्कल है, तो इसको लगा के उठा लेते, देखते उठते क्या नहीं उठता है। वो भाई उठ गया,
भाई काफी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।